Actresses Yami Gautam, Mahi Gill and Rituparna Sengupta came for an event of a shampoo brand Wednesday. Watch the three actresses talk about the brand and their hair routine. आई थिंक जहाँ तक कि पैंटीन के बाद की बात है, तब से देखा है पैंटीन को यूज़ किया जब से बहुत छोटे थे. वी आर सीन माई मदर्स यूजिंग इट, वी सीन व्हाइल ग्रोइंग अप. तो वो एक इमोशनल फैक्टर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्ले करता है, बिकॉज रिलेटेबिलिटी फैक्टर बहुत बढ़ जाती है. एंड एज फार एज द ब्रांड इज कंसर्न्ड, ऑफ कोर्स एवरीबडी नोज कि एक एक्टर की लाइफ में कितना ज़रूरी होता है बाहर एक्सटेंसिव आउटडोर्स पे शूट करना, बाहर जाना और अलग तरह का वेदर कंडीशंस और डस्ट और पोल्यूशन और हेयर ड्राई यू नो आइनिंग एंड ऑल दैट स्टफ. तो उसके बावजूद तब भी हाउ टू कीप अप विद द हेल्थ केयर, सो दैट्स वेयर पैंटीन इज कम. एंड विद द न्यू एंड इम्प्रूव इन फैक्ट पैंटीन विद यू नो KDBs टू प्रोटेक्ट द केराटिन इन द हेयर. एंड सो या एंड इट्स रियली वर्क्ड बिकॉज़ वी यूज द चैलेंज, द 14 हेयर डे चैलेंज, 14 डेज, एंड इट वर्क्स. आई थिंक यू वांट टू से समथिंग. या सॉरी, बाल जो है स्टाइल से, बालों की स्टाइल से, बालों की स्ट्रेंथ बहुत अलग अलग डिफरेंट है. इट यूज टू हैपन अर्लियर बिकॉज़ शैम्पू करते थे और एक्सपेरिमेंट्स करने से भी बहुत डरते थे, बिकॉज जैसे हम एक्टर्स हैं सब लोग, हम लोगों को बहुत ज़्यादा ब्लो ड्राइंग और ही ट्रीटमेंट्स करने पड़ते हैं, तो डर लगता था. लेकिन थैंक्स टू पैंटीन का जो नया इम्प्रूव्ड आया है पैंटीन, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है. बिकॉज उसके बाद मैंने देखा कि मैंने बाल अपने कलर किए हैं लेकिन बहुत सॉफ्ट रहे हैं, सो दैट मीन्स के पैंटीन बहुत ही बेहतर और अच्छा है. हेयर डे के साथ तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि थोड़ा बहुत तो डर होता ही है अंदर कि व्हेन यू ट्राई समथिंग न्यू एंड व्हेन यू एक्चुअली डेयर टू डू समथिंग विथ योर हेयर विच इज़ सो प्रेशियस, एक बार चले जाएंगे तो और वापस नहीं आएंगे. तो आई थिंक वी हैज एक्चुअली हैड दिस चैलेंज वेरी लाइक वी फेस दिस चैलेंज वेरी ब्रेवली. और मुझे लगता है कि हेयर डेयर के बाद हम लोग को इतना अच्छा लगा और इतना सेटिस्फैक्शन मिला कि यू नो इट्स आई मीन इट वी नेवर फेल्ट इट बिफोर आई बिलीव सो लाइक यू नो सो कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ गया है फिल्मों में. तो आई थिंक सब तीनों का कॉन्फिडेंस आपने देखा है, तीनों ही डेयर से डरते नहीं हैं. लेकिन आई थिंक पैंटीन यूज़ करने के बाद काफ़ी फ़र्क पड़ा है. यू सी आर हेयर काफ़ी आई थिंक इंटरेस्टिंग और ज़्यादा खूबसूरत हो गए और बहुत हेल्दी और शाइनी हो गए और बहुत मजबूत हो गए. एंड यू नो लाइक द लस्चर एंड द फ्लो ऑफ द हेयर हैज़ बिकम मच मोर बेटर, क्योंकि हमारी हर रोल में एक एक यू नो वी हैव टू स्टाइल इट इन अ डिफरेंट वे. तो अगर वो फ्लो अच्छा रहेगा तो हर रोल में हम लोग अच्छा कर सकते हैं. I think it's no, I think that's not really fair because everything's to each his own. ज़रूरी नहीं है कि हर प्रोडक्ट, हर चीज़ हर किसी को सूट करे. इट्स टोटली हाउ यू यूज इट एंड हाउ वेल डज इट सूट समबडी. सो वी आर द फेस ऑफ द ब्रांड एंड वी नो दैट वॉट वी गेटिंग इन टू. इट्स अ रिनाउंड ब्रांड फॉर ईयर्स, इट हैज़ इट्स ओन क्रेडिबिलिटी. को रीज़न है जिसकी वजह से ये ब्रांड कितने सालों तक सस्टेन रहा है, सक्सेसफुल रहा है. उसके बावजूद अगर ऐसे कोई कुछ अनफॉर्चुनेट इस तरह का कुछ होता है विच समबडी इज नॉट हैप्पी विद इट, यू कांट, इट्स जस्ट एन एक्सीडेंट, इट हैपन विद एनीबडी. इट इज एब्सोल्युटली डिपेंडेंट ऑन दैट पर्टिकुलर पर्सन और द पर्टिकुलर जॉनर ऑफ थिंग वॉट ही इज यूजिंग, यू नो लाइक. बट द प्रोडक्ट इज़ वेरी गुड एंड इट इज़ अ ब्रांड फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम. इट्स एसोसिएशन इज एब्सोल्युटली वेरी हेल्दी एसोसिएशन एंड आई थिंक वी कैन ऑल एंडोर्स एंड पैंटीन इज अ ब्रांड टू रेकमेंड एंड इट्स अ वेरी कमेंडेबल ब्रांड. एंड ही साथ में खुश रहो, पैंटीन यूज करो, ऐसे हो जाओगे. पर एक्चुअल में आएगी, हाँ एक्चुअल में है. आई थिंक खूब पानी पियो, बाल अगर सुंदर नहीं हो आप अच्छे लग ही नहीं सकते हो. अगर आप जितना मर्जी मेकअप कर लो, जितने मर्जी अच्छे कपड़े पहनो, अगर आपके बाल अच्छे नहीं हैं तो आप बहुत बुरे लगोगे. लेकिन अगर आप मेकअप ना करो और फिर भी आपके बाल अच्छे हो तब भी आप अच्छे लगोगे.